आज मैंने माशू का म्यूज़िक वीडियो देखा। ये म्यूज़िक वीडियो जे जस्ट म्यूज़िक यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहते हैं आप ज़रूर देख सकते हैं। अगर आप पूछें इस गाने का ओवरऑल म्यूज़िक वीडियो कैसा लगा, तो मैं बोलूँगा ऑन एन एवरेज था। एक बार आप ज़रूर देख सकते हैं। अगर इस म्यूज़िक वीडियो के गाने के बारे में कहा जाए, तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, इस गाने का जो म्यूज़िक है उसको कंपोज़ किया है तनिष्क बागची ने, और इस गाने को गाए हैं देव नेगी और अजीज़ कौन ने, और इसका जो रैप पोर्शन है वो गाए हैं वायरस ने। वायरस को आप सभी जानते होंगे, अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी द्वारा अभिनीत जो लक्ष्मी मूवी आया था उसका जो बम भोले गाना था, बहुत ही एक चार्टबस्टर गाना है वो गाना, वायरस ने गाए थे। और इस गाने का जो लिरिक्स है बोल है लिखा है उल्लू मनाती और यश नार्वेकर ने। तो कैसा लगा ये गाना? अगर ये गाने के तौर पे अगर आप सुने, तो इसका म्यूज़िक कंपोजिशन और अरेंजमेंट तनिष्क बागची ने किया है। इसमें खास नया कुछ जो बीट्स जो जिस तरह का साउंड और जिस तरह का म्यूज़िक का अरेंजमेंट है, इसमें नया कुछ मिलेगा नहीं, जो है ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप कुछ नया साउंड या नया किसी तरह का फीलिंग्स अगर आप उसके बारे में अगर पूछें, तो इसमें नया कुछ नहीं है, वही सेम फॉर्मेट का सेम टेम्पलेट का ये गाना है। गाने के अंदर बेसिक सा जिस तरह से कंपोज होता है अभी के गाने, उसी तरह का है। नया साउंड में फ्रेशनेस जो है, नयापन कुछ नहीं मिलेगा आपको। लेकिन हाँ, देव नेगी और अजीज़ कौर ने बहुत खूबसूरती के साथ इस गाने को गाए हैं, और जो रैप पोर्शन है जो वायरस ने गाए हैं उनका, वो जो रैप पोर्शन मुझे काफ़ी पसंद आया, ठीक ठाक मुझे लगा। ऐसा मतलब बम भोले के बाद जिस मतलब ये गाना ठीक ठाक था। लेकिन हाँ, इसका जो लिरिक्स है ये और ज़्यादा मतलब जिस तरह का मतलब वायरस जिस तरह का एक रैपर है, तो इस गाने के साथ वो जो रैप पोर्शन था ठीक ठाक ही बैठा है। कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कंपोजिशन में जिस तरह का मतलब कुछ अच्छा नहीं मिला, लेकिन गाने वाइज अगर गाने का बात करें, सिंगर्स ने यहाँ पे देव नेगी, अजीज़ कौर और वायरस ने बहुत अच्छा गाया है। इस म्यूज़िक वीडियो के बारे में अब आते हैं। इस म्यूज़िक वीडियो को डायरेक्शन दिए हैं चरित देसाई ने, और जिस तरह से इस म्यूज़िक वीडियो को मतलब रिप्रेजेंट किया गया है हम लोगों के सामने, जिस तरह का प्रॉप्स यूज़ किया है, जिस तरह का सेट डिज़ाइनिंग है, जिस तरह का प्रोडक्शन डिज़ाइन, उसमें मुझे कुछ ज़्यादा खास नयापन नहीं मिला। और इस गाने को जो कोरियोग्राफी है उस वो किया है डिम्पल कोटेचा ने। डिम्पल कोटेचा ने जिस तरह का स्टेप यहाँ पे दिया है और इस गाने में परफॉर्म करने को देखने को मिलेगा रकुलप्रीत सिंह को। रकुलप्रीत सिंह ग्रेसफुल दिख रहे थे, बहुत सुंदर दिख रहे थे, उनका जो परफॉर्मेंस था काफ़ी सही था। लेकिन रकुलप्रीत सिंह इस गाने में ग्लैमरस दिखने के बावजूद उनको सही तरह का स्टेप यहाँ पे नहीं मिला, मतलब प्रॉपर डांसिंग स्टेप इस म्यूज़िक वीडियो में बहुत कम था। रकुलप्रीत सिंह अच्छा डांस कर सकते हैं, लेकिन उनको जो डांस स्टेप है प्रॉपर डांस स्टेप इतना ज़्यादा दिया नहीं गया। और ये मतलब कोरियोग्राफी वाइज अगर आप देखें, इतना मतलब कुछ नयापन कोरियोग्राफी वाइज जिस तरह का मतलब यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है, कोरियोग्राफी को डांस को डिज़ाइन जिस तरह से किया गया है, उसमें नयापन कुछ आपको नज़र नहीं आएगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, गाने के बीच में बहुत सारे लाइटों का यूज़ किया गया है, जो कुछ कुछ जगह पे सही बैठा, कुछ कुछ जगह पे मुझे ज़्यादा मतलब जब आप देखेंगे विजुअल तो आपके आँखों पे खटकेगा, वो अच्छा नहीं लगा मुझे। और इसके साथ और एक चीज़ के बारे में मैं कहना चाहूँगा, जो ड्रेस डिज़ाइन जिन्होंने किया है, कुछ ड्रेस पे रकुलप्रीत ग्लैमरस बहुत ही ग्लैमरस लग रहे थे और बहुत ही अच्छा दिख रहे थे, विजुअली देखने में बहुत अच्छा लग रहे थे वो जब परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन कुछ कुछ जो ड्रेसेस है वो उन पे सूट नहीं कर रहा था, मतलब देख के थोड़ा ऑड लग रहा था। तो मैं ये रही यही राय है मेरा। तो आप लोगों को कैसा लगा ये गाना, ज़रूर आप सुनिए, जे जैस म्यूज़िक में अवेलेबल है, और आप कमेंट करके ज़रूर